तो भाई स्वागत है और भगदड़ में ट्रैक रेस में भैया। देखो इन दोनों गाड़ी की, मतलब भाई दोनों ही तगड़ी है, लीजेंट कार है, दोनों ही स्विफ्ट है। ये तुम्हारी ओल्ड शेप की है, तुम्हारी न्यू शेप की है। ये तुम्हारी डीजल है 1300 सीसी, ये तुम्हारी पेट्रोल है 1200 सीसी। दूसरी चीज भाई ये डुअल जेट है, तो अब देखना क्या होगा। बाकी देखो इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो तुम्हारी नई वाली स्विफ्ट में मिलता तुम्हें 88 bhp और 113 Nm का टॉर्क, और इसका जो वेट है वो 850 किलो है। बाकी जो तुम्हारी स्विफ्ट डीजल है उसमें तुम्हें मिलता है 74 PS पावर, 190 Nm का टॉर्क और 1000 किलो की गाड़ी है। वेट डिफरेंस दोनों में है करीब 150-200 किलो का, ठीक है। बट इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले, बट इसकी bhp ज़्यादा है। ऊपर से ये लाइट वेट है तो बॉडी टू पावर रेशो जो आएगी, इसकी वेट टू पावर रेशो आएगी वो बढ़िया आएगी। बाकी देखो पंजा बनने के बाद सारी सच्चाई सामने आ जाएगी, कौन सी जीतेगी। नई स्विफ्ट की बॉडी बहुत हल्की है, बहुत हल्की है। डीजल स्विफ्ट से कंपेयर करोगे ना तो, और इसमें पावर बहुत जबरदस्त दे रखी है भाई, जिस हिसाब से बल्कि बॉडी है ना, तो मेरे हिसाब से तो ये निकलेगी। इनिशियल में डीजल निकल सकती है मेरे हिसाब से 60 तक, उसके बाद तो कहीं नहीं दिखेगी, 150 तक भी नहीं दिखेगी। पर मुझे लग रहा है ये स्टार्टिंग से ले जाएगी, ऐसा लग रहा मुझे, क्योंकि 170 तक देखते हैं। हाँ देखिए जितनी होगी जितनी कैपेबिलिटी होगी मीटर तक करेंगे। चूचू इनिशियली में दोनों बराबर होगी। अच्छा। तो मैंने भगाई है, देगी है, ले जाएगी ये, तो ले जाएगी आराम से, ले जाएगी सुरक्षा आराम से, तो स्विफ्ट जीतेगी, छोड़ेगी भाई स्विफ्ट नई वाली स्विफ्ट मेरा साथ कोई नहीं देगा, भाई का साथ नहीं दे रहा कोई। चलो कोई नहीं, एक बार थोड़ा पंजा कम रखेंगे स्विफ्ट में। स्विफ्ट की बात करो तो देखो ये 2022 मॉडल है और ये चली हुई है तुम्हारी 10,911 किलोमीटर। तुम स्विफ्ट की बात करोगे इसकी डीजल की तो ये तुम्हारा 17 मॉडल, और ये कितनी चली हुई है ये भाई 61-62 हो गई, ये लगा लो करीब 62,000 चली हुई। तो देखो एजिंग का भी फर्क पड़ता है, बाकी स्टार्ट हो गया है, ये भी टॉप मॉडल है, ठीक है। बाकी दोनों मैनुअल है, बाकी भी पता लग जाएगा। तो भाई रेस को करते हैं अभी स्टार्ट, ठीक है भाई। तो भाई सुरक्षा को क्या लगता है कौन सी गाड़ी जीतेगी, नई वाली स्विफ्ट जीतेगी? कैसे भाई आप भगवान हो? तो भाई फर्स्ट राउंड हो रहा है अभी, एसी ऑफ है, एसी फर्स्ट राउंड में ऑफ है दोनों गाड़ी का। भाई एकदम इनिशियली बराबर ही गई है, अभी भी बराबर चल रही है, थोड़ी आगे अब तो ले गए भाई। एक गाड़ी का गैप अब आ गया है। स्पीड कितने की पकड़ ली? 120 तक भाई दो गाड़ियों का गैप बना दिया भाई, 140 की स्पीड, अब ब्रेक ले लो, मतलब भाई 150 पहुंच गई है, ले लो नहीं। मतलब ट्रैक का रेस तो यही, ट्रैक तो जीत चुकी है ये। हाँ भाई 160 तक चली थी, बट ट्रैक की विनर है भाई, स्विफ्ट ही है, 160 खींच दी है टॉप स्पीड। 160 एसी ऑफ, ऑन एसी, ऑन कर ले, एसी ऑन है इस राउंड में, सेकंड राउंड है, पहली में तो जीत ही गई साफ-साफ, तीन ऑन पे, ठीक है भाई। थोड़ा इनिशियली वो की थी, लेट उठाई बंदे ने, बाकी देख लो कितना गैप है, दो गाड़ियों का गैप बन चुका है, तीन गाड़ियों का बन गया। स्पीड क्या पकड़ ली भैया? 130 पकड़ लिया अभी भाई, 140 चार गाड़ियों का, पांच आराम से, पांच गाड़ी हो गया बता दिया, 150 है अभी, 150 पुश कर दिए भाई, 160 डिस्टेंस ब्रेक ले लेते हैं। ओ भाई जितनी देर में मोड़ लिया उतनी देर में आ गई स्विफ्ट, ऐसा लग रहा है कि लॉन्च थोड़ा लेट हुआ, लॉन्च लेट हुआ ना, हाँ 2 सेकंड, हाँ देखा था। एक काम करते हैं इस राउंड में अपना एसी ऑन कर लो, हाँ एसी ऑन ही है, बंद कर लेते हैं, और अगर फिर भी जीत गई ना तो एक बंदा बिठा लेंगे, ठीक है, आपकी मैं सुरक्षा साइड दोनों को बिठा देंगे, आ जा भाई सुरक्षा। इस राउंड में हम तीन बैठ गए हैं बंदे आगे, ये देखो भाई वेट डिफरेंस तो आ ही गया, अब जितना देरी थी 150 किलो, अब इसकी बिल्ड क्वालिटी कम से कम 100 किलो बढ़ गई है। हाँ। इसकी बिल्ड क्वालिटी 100 किलो से मजबूत हो गई है। अब जो वेट डिफरेंस था ना हमारा 1000 किलो, उसका तो सुरक्षा के बैठती बुरा हो गया, वो नहीं मतलब हो गया, कितना वेट है तेरे में? इसका 90 होगा, 82 है इसका, 100 किलो। चलो भाई इसमें एसी हो ना भैया, एसी तो ऑन नहीं है, दोनों का एसी ऑफ है, तीन बैठे हुए इसमें, हाँ ठीक है
तो ये भाई ये है थर्ड राउंड। हाँ एसी ऑफ। भाई इनिशियली तो वो ले गई, ले गई अभी इनिशियली, अब आ रहे है भाई पावर पुश कर रही है अभी इसकी जो 1.5 BHP है ना एकदम सही। हाँ ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई ले गई आ गया क्या स्पीड 140 पहुंचने वाली है, 130 चल गई थी, 130 चल गई स्पीड आ गया है। एक गाड़ी दो गाड़ी का गैप तो हो ही गया। कितनी स्पीड पहुंची? 150 पहुंच गई। तीन चार गाड़ी का गैप आ गया, ब्रेक ले लेते हैं। इसमें भी भाई जीत गई है। फोर्थ राउंड है, फोर्थ राउंड में एसी ऑन कर दिया, वही तीन बंदे बैठे हैं, पूरा एकदम एडवांटेज एक और दे दिया, प्लस टू एडवांटेज है। ठीक है भाई तीन हॉर्न पे, ठीक है ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट भाई, फोर्थ राउंड तो यार मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि भाई फोन हो गया था बहुत गर्म, वीडियो उन्होंने बीच में रोक दी, देखा नहीं मैंने मतलब, पर ऐसा रहा फोर्थ राउंड की एकदम बराबर बराबर टक्कर हुई एकदम भाई परफेक्ट बराबर, दो प्लस पॉइंट के बाद भी भाई इसने एकदम बराबरी तक रखा। दोनों सही लॉन्च हुई है भाई, साथ साथ ही, अभी तीसरे गियर मिलेगी, तीसरे गियर निकल जाता है इसका। नहीं आप तो आप तो साथ साथ ही है, उनका अटक गया लग रहा है, मुझे लग रहा है मुझे उनका अटक गया, अटक ही गया, नहीं तो निकल जाती अब तक तो। अब चौथे गियर में ले गई, चौथे में चली जाएगी 120 तक, साथ ही है, ज्यादा गैप नहीं है, अब निकल गई, गई अपनी गई, ना ना बिल्कुल साथ है, बिल्कुल अब गई 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 140 150 फोन अटक के गया, गया 150, देखते हैं और खींचते हैं और खींचते हैं 160 150 भाई साहब ये थी ड्राइव तो बिल्कुल साथ साथ, भाई ब्रेक नहीं लग रहे सही में, कम लग रहे हैं तेज में, वैसे कम लगते हैं, अब वो हो गया ब्रेक, वो हो गया ब्रेक, फिर देख ब्रेक फेल हो गया। तो भाई हमने टोटल चार राउंड करे, तो देखो कुल मिला के बात करोगे तो इनिशियल में दोनों सेम रहती है अगर दो बंदे बैठे हुए हैं स्टार्टिंग से ही अगर बात करोगे तो, बाकी जैसे ही थर्ड गियर में आता तो ये मतलब बहुत तगड़ा पुल मार देती है, बहुत बढ़िया गैप देती है, उसके बाद तो गैप बनता रहता है। फिर उसके बाद देखो हमने लास्ट राउंड में इसको एडवांटेज दिया, इसका एसी ऑन करके इसमें तीन बंदे बिठाए, उसके बाद भी ये थोड़ी दबी थी बट दबने के बाद भी ये लगा लो कि बिल्कुल साथ साथ चल रही थी, हल्की हल्का फुल्का ये होगा तो ये थोड़ी आगे होगी, हल्का फुल्का बीच में मिड में और बिंड में थोड़ा गियर बियास हो गया था, बट ये लगा लो ये कहीं नहीं जाने देगी अगर तुम ड्रैग रेस की बात करोगे तो, कहीं नहीं जाने देगी क्योंकि भाई एट द एंड इसमें तुम दो बिठाओगे और अगर दोनों में सेम सेम बंदे बिठा देते बट इसको एडवांटेज भी देखो बहुत दे देता है, इसमें तीन बंदे बिठा दिए फिर एसी भी ऑन कर दिया, उसके बाद भी इसने जाने नहीं दिया, मतलब बिल्कुल इसने पकड़ के रखा हुआ था, हमने करीब 160 तक चलाया तब तक भी पकड़ के रखा हुआ था। बाकी ये देख लो भाई टायर के निशान देख लो तुम, भाई टायर की बांध गोड़ दी, मतलब देख लो जितना मतलब जितने भी नहीं आते उतने तो भाई तेल तूल सब फूक फाक दिया, भाई देख लो ऐसे नहीं टाइम बर्बाद करते। बाकी तुम भाई धूप भी देख लो कितनी है, गांव में आए हुए हैं तो पैरिंग में एकदम, ताकि थोड़ा रास्ता खाली मिले और भाई शूट हो जाए तो पता भी लग जाए। ये गैप भाई एक गाड़ी का गैप दे दिया मैं ऑलरेडी,